हेलो एवरीवन, ये वीडियो ईएम फॉस्टर के एक फेमस नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया से रिलेटेड है। इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू प्रेजेंट द इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स, समरी एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑफ दिस नॉवेल। ईएम फॉस्टर का पूरा नाम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर था। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और क्रिटिक थे। फॉस्टर एज ए राइटर एंड नॉवेलिस्ट बहुत फेमस वर्क लिखे, जैसे वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, द लॉन्गेस्ट जर्नी, ए रूम विद अ व्यू, अ पैसेज टू इंडिया। फॉस्टर का पैसेज टू इंडिया 1924 में पब्लिश हुआ और ये एक रिमार्केबल नॉवेल के रूप में उभरा। ये नॉवेल ब्रिटिश एम्पायर और इंडियन के बीच जो रिलेशनशिप थे उसको दिखाता है, जिस समय इंडिया ब्रिटिश एम्पायर के अधीन था। सो इट इज सेड दैट द नॉवेल बिकेम अ पावरफुल एंड पॉपुलर वीपन इन द हैंड्स ऑफ एंटी इंपीरियलिस्ट इन इंग्लैंड एज वेल एज इन इंडिया। इस नॉवेल को एज ए वीपन के रूप में देखा जाता है, और वो भी पावरफुल और पॉपुलर। तो उस समय वैसे लोग, वैसे लीडर्स जो एंटी इंपीरियलिस्ट थे, जो नहीं चाहते थे कि जो अंग्रेज है उसका कहीं शासन रहे, कहीं कॉलोनी रहे, तो उन लोगों के लिए ये जो नॉवेल है वो वीपन का काम किया, क्योंकि इस नॉवेल में जो हिपोक्रेसी था अंग्रेजों का, उनको ईएम फॉस्टर ने दिखाने का कोशिश किया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस नॉवेल का टाइटल, थीम और स्ट्रक्चर। सो द टाइटल ऑफ द नॉवेल हैज बीन टेकन फ्रॉम विटमैन्स पोएम पैसेज टू इंडिया। विटमैन्स का पोएम है जिसका टाइटल, जिसका नाम है पैसेज टू इंडिया। तो इस जो नॉवेल का जो टाइटल है पैसेज टू इंडिया, वो वहीं से लिया गया है। और टोटल इस नॉवेल का स्ट्रक्चर करें तो इसमें टोटल 3 पार्ट है, मास, केव एंड टेम्पल, और हर एक पार्ट एज ए सिंबॉल के रूप में रिप्रेजेंट होता है। जैसे मॉस्क, जो कि चंद्रपुर सिटी में ये एक फिक्शनल टाउन है, सो ये आज रिप्रेजेंट फ्रेंडशिप, मॉस्क फ्रेंडशिप को दिखाता है। और केव, जो कि मारावार केव का आपको इसमें जिक्र आएगा, सो ये भी फिक्शनल है, और ये दिखाता है, ये सिंबॉल के रूप में प्रेजेंट करता है मिस्ट्री और मॉडल को। साथ ही साथ जो थर्ड पार्ट है इस नॉवेल का, वो है टेम्पल, और माओ में है, माओ एक स्टेट है, फिक्शनल स्टेट है, और ये रिप्रेजेंट करता है रिकॉन्सिलिएशन और हारमोनी को। सो द नॉवेल इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन द इंग्लिश एंड द इंडियन इन द अर्ली 1920s एज अ बैकग्राउंड। सो एज अ बैकग्राउंड 1920s का जो रिलेशनशिप था, जो इंग्लिश लोग थे और जो इंडियंस थे, उनके बारे में ये नॉवेल डिस्कशन करता है। And it is exploration of the possibility and limitation and the promises and the pitfalls of human relationships. साथ ही साथ उन लोगों का, जैसे ब्रिटिशर्स और जो इंडियंस थे, उनका जो रिलेशन है उसका कहाँ तक क्या लिमिटेशन है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या प्रोमिसज है, या फिर क्या धोखाधड़ी है, इन सब के बारे में ये डिस्कस करता है। इट ऑल्सो एग्जामिन्स द क्लास डिफरेंसेज एंड हिपोक्रेसीज ऑफ द इंग्लिश। साथ ही साथ इसमें आपको देखने को मिलेगा किस टाइप से जो अंग्रेज है वो क्लास डिफरेंसेस में बिलीव करते हैं, साथ ही साथ उनके जो हिपोक्रेसीज वगैरह है, जो ढोंग दिखावा है, वो सब चीज भी आपको इस नॉवेल में देखने को मिलता है। सो पार्ट फर्स्ट, जिसका टाइटल है मॉस्क, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉवेल मॉस्क विच रिप्रेजेंट्स फ्रेंडशिप, जो कि फ्रेंडशिप को दिखाता है एज ए सिम्बॉल। सो ओपन्स इन द फिक्शनल सिटी चंद्रपुर में ये नॉवेल स्टार्ट होता है, जो कि एक फिक्शनल सिटी है, और उस समय जो चंद्रपुर सिटी है वहाँ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है, वहाँ ब्रिटिश एम्पायर का शासन है। सो इन दिस टाउन चंद्रपुर में डॉक्टर अजीज इज अ डॉक्टर हु वर्क्स इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर मेजर कैलेंडर। डॉक्टर अजीज सेंट्रल कैरेक्टर इस नॉवेल के, और वो मेजर कैलेंडर जो उस हॉस्पिटल के हेड है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, उसके अंदर में काम करते हैं। डॉक्टर अजीज हमीदुल्ला एंड मोहम्मद अली डिस्कस ऑन द इंडो इंग्लिश सोशल एंड पर्सनल रिलेशन एंड द हिपोक्रेसीज ऑफ द इंग्लिश मेन एंड वुमेन। तो जब नॉवेल शुरू होता है तो देखेंगे कि डॉक्टर अजीज हमीदुल्ला, मोहम्मद अली, ये सब इंडो यानी इंडियन और जो इंग्लिश लोग हैं उनके सोशल पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, और लोग एक अंग्रेजों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो हिपोक्रेटिक नेचर है उनको लेकर के ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। मीनवाइल मेजर कैलेंडर कॉल्स फॉर डॉक्टर अजीज एंड ही गोज टू सी कैलेंडर बट ही हैज गोन। इसी बीच में मेजर कैलेंडर भेजता है एक मैसेंजर को डॉक्टर अजीज के पास कि तुरंत उसे हॉस्पिटल आना है। तो जब डॉक्टर अजीज जाते हैं उसे मिलने के लिए, और वो वहां से चला गया रहता। सो ऑन हिज वे टू होम डॉक्टर अजीज गोज टू मास्क वेयर ही मीट्स एन ओल्ड इंग्लिश लेडी हु इज मिसेस मूर। और वहां हॉस्पिटल से आने के बाद वो सीधा मास्क चला जाता है मस्जिद, और वहां जाने के बाद उसको एक
ओल्ड इंग्लिश लेडी जिनका नाम मिसेस मूर है, उनसे मुलाकात होती है। तो मिसेस मूर एक क्रिश्चियन है, तो डॉक्टर अजीज को ये चीज़ बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि कैसे क्रिश्चियन मॉस्क में इंटर किए। सो इन दैट टॉक दे नो ईच अदर एंड डॉक्टर अजीज लर्न्स दैट मिसेस मूर इज रोनी हसलॉफ्स मदर हु इज द सिटी मजिस्ट्रेट ऑफ द चंदपुर। और दोनों में बहुत अच्छे से बातचीत होता है, एक फ्रेंडली बातचीत होता है, दोनों फ्रेंड भी बनते हैं। और इसी बीच डॉक्टर अजीज ये जानता है मिसेस मूर से कि वो रोनी हसलॉफ जो कि उस सिटी मजिस्ट्रेट है उनकी माँ है। मिसेस मूर लर्न्स दैट डॉक्टर अजीज वाइफ्स हैड डाइड एंड ही हैज चिल्ड्रेन एंड डज नॉट वांट टू मैरी अगेन। और मिसेस मूर डॉक्टर अजीज के बारे में ये जानती है कि वो एक विडोअर है, मुस्लिम है, साथ ही साथ उनके बच्चे भी, और वो दूसरा शादी नहीं करना चाहते। एंड सी ऑल्सो टेल्स अजीज दैट सी हैज कम विद एडेला क्वेस्टर। डॉक्टर अजीज एंड मिसेस मूर एंजॉय देयर न्यूली मेड फ्रेंडशिप। इन दोनों में काफ़ी डिस्कशन होता है और उसमें मिसेस मूर बताती है कि वो एडेला क्वेस्टेड एक दूसरी इंग्लिश वुमेन है, लेडी है, तो उनके साथ आई है और ये लोग जो न्यूली मेड फ्रेंडशिप है उसको उस समय काफ़ी इंजॉय करते हैं। मिसेस मूर एंड एडेला विश टू सी रियल इंडिया, द सिटी कलेक्टर ऑफ चंद्रपुर मिस्टर टर्टन अरेंजेस अ ब्रीथ पार्टी। सो मिसेस मूर और एडेला दोनों इंडिया आई है क्योंकि उसको जो रियल इंडिया है उसको देखना है। इसी को लेकर के जो चंद्रपुर सिटी के कलेक्टर है मिस्टर टर्टन, वो एक ब्रिज पार्टी देते हैं। ब्रिज पार्टी एक ऐसा पार्टी जिसमें इंडियन और जो भी नेटिव इंडियंस है और जो इंग्लिश है उनको बुलाया जाता है। लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू एनेबल देम टू मीट इंडियंस। इन दैट पार्टी सिरिल फील्डिंग मिसेस मूर एडेला इंट्रोड्यूसेस देमसेल्फ एंड डेवलप अ न्यूली फ्रेंडशिप अमंग देम। और उसके बाद फील्डिंग का वहाँ मुलाकात होता है। सिरिल फील्डिंग एक दूसरा कैरेक्टर, हम लोग अभी देखेंगे कि वो कौन है। सो मिसेस मूर एडेला कोस्टेड ये सब लोग वहाँ, उन लोगों के बीच में एक न्यूली फ्रेंडशिप डेवलप होता है। एंड द ब्रीज पार्टी फेल्स एंड फील्डिंग इनवाइट मूव्स मूर एंड एडेला टू टी एट हिज ओन। लेकिन मिस्टर टर्टन का ये जो ब्रीज पार्टी है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और ना ही मिसेस मूर और एडेला रियल इंडिया को देख पाती है क्योंकि उसमें बस हाई क्लास सोसाइटी के जो लोग रहते हैं उन्हीं को इन्वाइट किया जाता है। सो वो रियल इंडिया को नहीं देख पाती है। सो उनका जो पर्पस रहता है वो फेल कर जाता है। लेकिन इन सबको देखते हुए फील्डिंग एक दूसरा पार्टी देता है जो कि टी पार्टी है। सो एट फील्डिंग्स टी पार्टी फील्डिंग प्रोफेसर नारायण गॉड बोले एडेला एंड मिसेस मूर इंट्रोड्यूसेस ईच अदर। लेकिन फील्डिंग का जो टी पार्टी है उसमें फील्डिंग आते हैं, प्रोफेसर नारायण गॉड बोले आते हैं, एडेला आते हैं, मिसेस मूर आते हैं और सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और सब लोग दोस्त बन जाते हैं। व्हेन अजीज लर्न्स दैट द लेडीज वांट्स टू सी रियल इंडिया ही इनवाइट्स देम टू विजिट द माराबार केव्स। और जब अजीज को पता चलता है कि एडेला कोस्टर और मिसेस मूर यहाँ आई है ताकि वो रियल इंडिया को देख सके, तब अजीज इनवाइट करता है कि सब लोग माराबार केव जाएंगे। दे ऑल एग्री एंड प्लान टू विजिट द केव। और इस बात पे सारे एग्री हो जाते हैं कि सब लोग वो मिल करके माराबार केव जाएंगे। द फ्रेंडशिप बिटवीन अजीज एंड फील्डिंग ग्रोज स्टेडली। और इसी बीच अजीज और फील्डिंग का जो फ्रेंडशिप रहता है वो धीरे धीरे बहुत, जो दोनों का फ्रेंडशिप है वो अच्छे बॉन्डेज में चेंज होने लगता है। फील्डिंग विजिट्स अजीज हाउस टू इंक्वायरी अबाउट हिज हेल्थ। और अजीज कुछ दिनों तक नहीं मिलता है तो फील्डिंग उनके घर जाते हैं और उनके हेल्थ के बारे में बातचीत करते हैं। दे टॉक ऑन देयर रिलीजियस बिलीफ एंड इंडो इंग्लिश रिलेशन। साथ ही साथ वो उस समय अजीज के घर पर लोग, ये दोनों जो उन लोगों का अपना रिलीजियस बिलीफ है, जैसे अजीज का जो जो उनका मुस्लिम बिलीफ है और जो कि फील्डिंग जो कि क्रिश्चियन है, तो उनका क्या रिलीजियस बिलीफ है, ये लोग अपने अपने रिलीजन के बात करते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश इंडियन रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। इन देयर कन्वर्सेशन अजीज टेल्स फील्डिंग दैट व्हाट इंडिया नीड इज काइंडनेस एंड काइंडनेस। सो अजीज फील्डिंग को ये बात कहता है, इंडिया को अगर सबसे जरूरत किसी चीज का है तो बस काइंडनेस है। व्हाइल फील्डिंग सेज दैट ही बिलीव्स इन पर्सनल फ्रेंडशिप इन इंडिविजुअल्स एंड फ्रीडम, वही फील्डिंग भी एक अच्छा कैरेक्टर है जो कि मतलब सिंपथाइज रहता है और ये काइंड हार्टेड भी है, भले ये इंग्लिश है लेकिन वो भी बिलीव करता है, वो फ्रेंडशिप में बिलीव है, उसको इंडिविजुअलिटी में बिलीव है, साथ ही साथ फ्रीडम में भी बिलीव है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट जो इस नॉवेल का है जिसका टाइटल है केव, तो द सेकेंड पार्ट ऑफ द नॉवेल
इज केव विच रिप्रेजेंट मिस्ट्री. केव जो एज अ सिंबल मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है. सो द पीपल एट फील्डिंग्स टी पार्टी आर रेडी टू विजिट द केव. अजीज, मिसेस मूड, एडेला क्वेस्टेड कैच द ट्रेन ऑन टाइम बट फील्डिंग एंड गॉड बोले एज डिलेड एंड लिव बिहाइंड. सो टाइमली अजीज, मिसेज मूड और अडेला, ये तीनों और इनके साथ एक सर्वेंट रहते हैं, ये सब पकड़ लेते हैं. लेकिन वहीं पे फील्डिंग और गॉड बोले ट्रेन पकड़ने में उनका डिले हो जाता है एंड दे लीव बिहाइंड. अजीज, मिसेज मूड एंड अडेला इंटर्स द फर्स्ट केव और वो सब मारवा के पहुंच करके तीनों अजीज, मिसेज मूड और अडेला फर्स्ट केव में इंटर करते हैं. मिसेज मूड इज स्ट्राइक बाई समथिंग एंड सी इज ग्रेटली अफेक्टेड. अचानक से मिसेज मूड को ऐसा लगता है कि वो किसी चीज से उस पर स्ट्राइक हुआ है और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है. एंड सी टेल्स अजीज एंड अडेला टू गो अहेड और अजीज और अडेला को बोलती है कि आप लोग आगे जाओ. दे मूव फॉरवर्ड इनटू अनदर केव. मिसेज मूड सिट्स डाउन एंड हैज हैड फिजिकल ब्रेकडाउन और उसके बाद मिसेज मूड बाहर आकर के बैठ जाती है और उनका फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाता है. वो खुद को नर्वस पाती है. एंड सी हैज लॉस्ट हर विल टू लीव एंड सी इज टोटली चेंज बाय दिस एक्सपीरियंस. और ये इतना ज्यादा शॉकिंग रहता है मिसेज मूड के लिए वो जो स्ट्राइक होता है केव में कि वो उसका जो भी विलिंग रहता है इवन तक कि उसके जीने का जो इच्छा रहता है वो भी लगता है कि खत्म हो गया. उसका जो एक्सपीरियंस होता है वहाँ का वो डिफरेंट होता है और वो बिल्कुल अब केव नहीं जाना चाहती है, उसमें इंटर दोबारा नहीं करना चाहती है. अडेला एंड अजीज आर इन द केव. अब यही दोनों कैरेक्टर अंदर है ना. एंड सी आस्क अजीज दैट हाउ मेनी वाइफ्स ही हैज बिकॉज ऑफ बीइंग अ मुस्लिम. सो मजाक ही मजाक में अडेला अजीज से ये पूछ देती है क्योंकि तुम मुस्लिम हो तो तुम्हारे पास कितनी वाइफ्स हैं. ये चीज अजीज को भी काफी पेन करता है, काफी तकलीफ देता है क्योंकि सारे मुस्लिम को एक ही टाइप से देखा जाता है. तो ये चीज, और जबकि अजीज कभी भी रीमैरिज में बिलीव नहीं करता था. सो ही मूव्स इनटू अनदर केव्स टू रीगेन हिज बैलेंस. उसके बाद अजीज उसके क्वेश्चन से काफी शॉक्ड होता है और दूसरे केव में चला जाता है ताकि जो गुस्सा है, जो टेम्पर है, उसको वो बैलेंस कर सके. मीनवाइल अडेला हैज गोन आउट ऑफ हिज साइट और इसी बीच अडेला किसी दूसरे जो केव है उसमें इंटर कर जाती है. एंड ही ट्राइज टू फाइंड हर बट फेल्स. और अजीज काफी कोशिश करता है उसको ढूंढने का बट वो नहीं मिलती है. एंड ही फाइंड्स अडेलाज ब्रोकन ग्लास एंड कमांड्स ऑफ द केव अप्रोच मिसेस मूर. और उसके बाद वो बाहर आता है और मिसेस मूर के पास जाता है जब उसको अडेला का टूटा हुआ जो ग्लास है, चश्मा है, उसको जब मिलता है. ही बिकम्स ग्लैड टू सी फील्डिंग देयर. और जब अजीज बाहर आता है तो फील्डिंग आगे रहते हैं. एंड अडेला रियलाइजेस इन द केव दैट सी डजंट लव रोनी एंड सी हियर्स एनिको. उसी बीच अंदर अडेला को एक रियलाइजेशन होता है कि वो रोनी हेस्लॉप, वो यहाँ आई थी उसे शादी करने के लिए, लेकिन उसको बिलीव होता है कि वो रोनी से प्यार नहीं करती है. उसका उसी केव में रियलाइजेशन होता है और उसके बाद उसको एक इको सुनाई देने लगता है. एंड सी कम्स आउट फ्रॉम द केव एंड क्लाइम्स डाउन अ हिल एंड प्रिक्ड बाय कैक्टस. उसके बाद वो सडनली अचानक से उस इको के बाद वो बाहर आती है उस केव से और जो हिल पे वो मारावा केव रहता है उसे नीचे उतरती है घबराते हुए, भागते हुए. एंड देन कैक्टस वगैरह से उसका बहुत जगह उसके कपड़े इवन तक कि उसका जो बॉडी है वो उसमें स्क्रैचेस वगैरह आ जाता है. एंड सी रिटर्न्स टू चंद्रपुर इन मिसेस डेरिक कार. और बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए अडेला अकेले वहाँ से मिस डेरिक के कार से चंद्रपुर आ जाती है कि बिना किसी को इन्फॉर्म किए. सब लोग देखते रह जाते हैं कि अचानक इसको हुआ क्या है. व्हेन अजीज रिटर्न्स फ्रॉम मारवाड़ केव ही इज अरेस्टेड ऑन द अराइवल एट द स्टेशन एंड टेकन टू प्रिजन इन द केस ऑफ अडेला मोलेस्टेशन एंड अटेम्प्ट टू रेप. उसके बाद जैसे ही अजीज चंद्रपुर स्टेशन पे पहुंचता है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है. उन पे चार्ज लगता है कि उन्होंने अडेला को स्टेट को मोलेस्ट किया और रेप करने का अटैम्प्ट किया. एंड टू सी इट फील्डिंग इज शॉक. द ट्रायल ऑफ अजीज क्रिएट सोशल एंड पॉलिटिकल टेंशन इन चंद्रपुर. और ये सारा जो सिचुएशन बन रहा है, ये सारे जो इंसिडेंसेज हुआ है उससे फील्डिंग और जो भी वहाँ के लोग है काफी शॉक्ड है. उसके बाद ट्रायल होता है फिर अजीज का और एक टाइप से चंद्रपुर जो सिटी है, फिक्शनल सिटी है, उसमें सोशल पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगता है. कोई भी इंडियन नहीं चाहते हैं जो इंग्लिश पीपल है उनको देखना और जो इंग्लिश लोग हैं वो नहीं चाहते इंडियंस को देखना. सो अमृता राव हु इज रिप्यूटेड लॉयर अपीयर्स टू डिफेंड अजीज. उसके बाद अमृता राव एक लॉयर को हायर किया जाता है जिनका एक लॉयर है
जिनका नाम अमृता राव है, उनको हायर किया जाता है ताकि वो अजीज का केस लड़ सके, एंड मेनी इंडियंस रिजाइन फ्रॉम चंदपुर क्लब टू सपोर्ट अजीज। सो इतना टेंशन बढ़ जाता है कि चंदपुर क्लब में के मेंबर भी रहते हैं बहुत सारे इंडियंस, वो सब वहाँ से रिजाइन देने लगते हैं। फील्डिंग ज्वाइंस अजीज टू सपोर्ट हिम। वहीं पे जो फील्डिंग है, जो कि खुद एक इंग्लिश पीपल है, वो ओपनली सपोर्ट करते हैं अजीज को, एंड मोर वांट्स टू गो बैक इंग्लैंड बिफोर द फाइनल ट्रायल, और मोर वापस इंग्लैंड जाना चाहती है जो फाइनल ट्रायल होने वाला है केस का उससे। और देन उनका जब वो चली जाती है, तो जब वो समुद्र के रास्ते जाती है, तो नॉवेल में आप पाएंगे कि उनका डेथ हो जाता है सी में ही। सो द ट्रायल क्रिएट्स डिस्टेंस बिटवीन इंडियन एंड इंग्लिश पीपल। एट द ट्रायल ऑफ अजीज, मिस्टर मैकब्रिज आउटलाइंस द इंसिडेंट्स बिफोर द मजिस्ट्रेट मिस्टर दास। तो उस कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट है उनका नाम है मिस्टर दास, और एडेला क्वेस्टेट की तरफ से मिस्टर मैकब्रिज एडवोकेट है, तो वो सारे इंसिडेंसेस को आउटलाइन करते हैं, समझाते हैं मिस्टर दास को कि क्या क्या हुआ था। एंड वेन द क्रूशल क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम एडेला वेदर डॉक्टर अजीज फॉलोड हर इनटू द केव, सी सेज टू द मजिस्ट्रेट दैट सी इज नॉट श्योर। सो लास्ट टाइम जब मिस्टर दास जो मजिस्ट्रेट है वो पूछते हैं फाइनल क्वेश्चन कि क्या आपने नोटिस किया कि डॉक्टर अजीज आपको फॉलो किए, आपको चेस्ट किए केव में, तो एडेला मजिस्ट्रेट से कहती है, डॉक्टर दास से कहती है कि वो श्योर नहीं है, एंड द मजिस्ट्रेट डिसमिसेस द केस। और जैसे ही ये आंसर आता है एडेला क्वेस्टेट के बाद, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट उस केस को डिसमिस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है, कोई क्लियर पॉइंट नहीं देती है एडेला क्वेस्टेट, कोई प्रूफ नहीं कर पाती है, इसलिए वो केस डिसमिस हो जाता है। एंड अजीज फाइल्स अ केस अगेंस्ट एडेला फॉर डैमेज, और उसके बाद अजीज एक केस कर देता है एडेला क्वेस्टेड पे, क्योंकि उसका जो मानहानि का जो केस होता है डैमेज का, उसका एक अपना रिपोर्टेशन था। सो इट इज द मोमेंट ऑफ अजीज विक्ट्री, फील्डिंग्स ब्रिंग्स बैक एडेला टू लीव हिज हाउस बिकॉज सी इज बॉयकॉटेड बाय हर ऑन कंट्रीमैन फॉर विदड्रॉयल ऑफ द चार्ज अगेंस्ट अजीज। उसके बाद फील्डिंग क्या करते हैं, एडेला क्वेस्टेड को अपने घर ले आते हैं, क्योंकि उनके अपने ही लोग यानी एडेला क्वेस्टेट के जो सपोर्टर्स थे वो अब बॉयकॉट करना उनका शुरू कर देते हैं, क्योंकि एडेला क्वेस्टेट कोर्ट में एक मतलब अपने बात को सही तरीके से नहीं रख पाई, और जिसके कारण अजीज फ्री हो गया। सो फील्डिंग देन जॉइंस अजीज विक्ट्री सेलिब्रेशन। उसके बाद फील्डिंग जब एडेला को अपने घर पे रख देता है, उसके बाद वो विक्ट्री सेलिब्रेशन में ज्वाइन करता है। Meanwhile, of the news of Mrs. Moore's death is known to all. उसी के बाद इस सेलिब्रेशन में Mrs. Moore का डेथ का न्यूज आता है, जो कि अपने वॉयस में अपने समुद्री यात्रा में उनका डेथ हो जाता है। The engagement between Ronnie and Adela is broken up. उसके बाद रोनी और एडेला को स्टेट का जो एंगेजमेंट होता है वो टूट जाता है, एंड फील्डिंग persuaded अजीज टू गिव अप हर चार्ज ऑफ डैमेज। और फील्डिंग फिर अजीज को समझाता है कि जो तुम उस पर केस किए हो डैमेज का, उसको तुम वापस ले लो, एंड ही गिव्स अप द चार्ज। उसके बाद अजीज भी मान जाता है और वो अपना जो केस है उसको वापस ले लेता है। द ऑफिशियल इन द चंदपुर आर ट्रांसफर्ड, एडेला लीव्स फॉर इंग्लैंड टू लुक अप मिसेस मूर्स चिल्ड्रन राल्फ एंड एस्टेला, द चिल्ड्रन फ्रॉम मिसेस मूर्स सेकेंड मैरिज। उसके बाद एडेला क्वेस्टेड भी वापस इंग्लैंड जाती है, और ये मिसेस मूर के जो दूसरे बच्चे रहते हैं उनके दूसरी शादी से राल्फ एंड एस्टेला, उनके साथ वो रहने के लिए चले जाते हैं। थर्ड पार्ट जो कि जिसका टाइटल है टेम्पल, तो ये रिप्रेजेंट करता है हारमोनी को। द सीन नाउ शिफ्ट फ्रॉम चंदपुर टू मऊ। उसके बाद जो चंदपुर का सीन है वो शिफ्ट होकर के मऊ स्टेट में चला जाता है, एक फिक्शनल स्टेट है जिसका नाम है मऊ, एंड देर इज ए गैप ऑफ 2 ईयर्स। और नॉवेल में देखेंगे कि 2 ईयर का गैप है। एंड गॉड बोले हैज बिकम एन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस स्मॉल स्टेट, डॉक्टर अजीज हैज लेफ्ट द गवर्नमेंट जॉब एंड नाउ वर्क्स फॉर महाराजा, एंड फील्डिंग हैज बिकन एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। सो 2 ईयर के बाद जो नारायण गॉड बोले हैं, जो कि प्रोफेसर थे चंदपुर सिटी कॉलेज में, वो अब एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं, और डॉक्टर अजीज जो उसका गवर्नमेंट जॉब था हॉस्पिटल में, वो अपनी जॉब को छोड़ करके जो मऊ स्टेट के महाराजा हैं उनके लिए काम करते हैं, और फील्डिंग जो कि वो भी प्रोफेसर थे वो अब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बन गए हैं। पीपुल आर सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड कृष्णास बर्थ गोकुलाष्टमी। और अब जो नॉवेल शुरू होता है उसमें सारे लोग, मऊ के सारे लोग, गोकुलाष्टमी जो फेस्टिवल है जो कि कृष्णा के बर्थ का, लॉर्ड कृष्णा के बर्थ का, उसको धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं।
गॉड बोले इज डांसिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग एंड ही हैज हैड रिवेलेशन। अब गॉड बोले को अचानक से जब वो पूरी तरह से अपने पूरी तरह से लीन होकर के नाच और गा रहे हैं, उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उसी समय उनको एक रिवेलेशन होता है एंड ही समर्ज इट इन अ डीप थॉट ऑफ मिसेस मूर। उनका मिसेस मूर का को उनका याद आना एंड ही याद आता है एंड ही ट्राइज अचीविंग यूनियन विद द गॉड। और वो खुद को गॉड के साथ यूनियन बनाने का कोशिश करते हैं उस रेवलेशन के मीडियम से। लेटर गॉड बोले इन्फॉर्म्स अजीज दैट फील्डिंग हैज अराइव्ड एट द गेस्ट हाउस विथ हिज वाइफ एंड हर ब्रदर। उसके बाद गॉड बोले अजीज को इन्फॉर्म करता है कि फील्डिंग आए हुए हैं गेस्ट हाउस में अपने वाइफ और अपने ब्रदर के साथ। तो अर्लियर चंद्रपुर में जब थे तो फील्डिंग का शादी नहीं हुआ था, लेकिन 2 साल बाद फील्डिंग का शादी होता है और उसके बाद फील्डिंग अपनी वाइफ और अपनी वाइफ का जो भाई है उसके साथ वो गेस्ट हाउस में उसी स्टेट में आया हुआ है। अजीज सस्पेक्ट दैट फील्डिंग हैज मैरिड अडेला एंड दैट ही हैज बीन फूल्ड ऑफ द कंपेंसेशन मनी। इसके बाद अजीज को डाउट होता है कहीं फील्डिंग शादी तो नहीं कर लिया अडेला ही को स्टेट से, और कहीं वो अजीज मतलब उसी को तो मूर्ख नहीं बना दिए और केस जो उसका कंपनसेशन मनी का केस फाइल किया था उसको लौटा करके। सो फील्डिंग गोज टू सी द एनुअल प्रोसेशन नियर माउंटेंग। उसके बाद सब लोग फील्डिंग वहाँ जाते हैं माउंटेंग के पास जो कि एक सेलिब्रेशन हो रहा होता है। सो अजीज ऑल्सो गोज देयर विथ हिज चिल्ड्रेन टू सी द प्रोसेशन। अजीज अपने और जो बच्चे हैं उनके साथ वाइफ सब जाते हैं। द किंग ऑफ माओ इज डेड, और उसी के बाद जो माओ के किंग है उनका डेथ हो जाता है। बट द न्यूज इज नॉट रिलीज बिकॉज इट विल रूइन द सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल। लेकिन जो राजा का डेथ होता है माओ के किंग का, उसके डेथ को छुपा लिया जाता है ताकि जो सेलिब्रेशन चल रहा है वो बर्बाद ना हो जाए। सो अजीज मीट्स फील्डिंग एंड राल्फ। राल्फ जो कि मिसेस मूर की के जो बेटे हैं जो उनके सेकेंड हस्बेंड्स हैं, और ये सब लोग अब साथ हैं फील्डिंग राल्फ स्टेला और एडेला क्विस्टेड। अजीज मीट्स फील्डिंग एंड राल्फ। देयर हैपेंस अनफ्रेंडली कन्वर्सेशन बिटवीन अजीज एंड फील्डिंग बिकॉज अजीज थिंक्स फील्डिंग हैज मैरिड एडेला। तो वहाँ पे क्या होता है, कन्वर्सेशन तो होता है इन लोगों में लेकिन वो अनफ्रेंडली होता है, पहले जैसा नहीं होता। और अजीज को पता चलता है कि नहीं, अजीज थिंक्स दैट फील्डिंग हैज मैरिड एडेला एंड सून राल्फ इज, उसको लग रहा होता है कि उस एडेला से शादी किया, लेकिन सून राल्फ इज परसुएडेड बाय दीज एंड हाउएवर अजीज लर्न्स दैट फील्डिंग हैज नॉट मैरिड एडेला बट एस्टेला। लेकिन ये जो फील्डिंग अजीज का डाउट है वो खत्म हो जाता है जब उस ये पता चलता है कि फील्डिंग एडेला को स्टेट से नहीं शादी किया बल्कि मिसेज मूर की जो बेटी थी एस्टेला उससे वो शादी किया। उसी बीच में राल्फ को मधुमक्खी काट लेता है। सो अजीज विजिट द गेस्ट हाउस एंड गिव्स मेडिसिन टू राल्फ। उसके बाद अजीज जाता है मेडिसिन लेकर राल्फ के पास जो कि मिसेज मूर का बेटा है। एंड फील्डिंग एंड एस्टेला हैव गोन फॉर बोटिंग ऑन द माउंटेन। और जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पे फील्डिंग और एस्टेला नहीं है, वो लोग बोटिंग करने के लिए माउंटेन गए हुए। द बोटिंग सीन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट रिमूव्स ऑल द बैरियर्स एंड डिविजन्स अमंग मेन। बोटिंग सीन इस नॉवेल का बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो भी बैरियर्स और डिविजन्स है लोगों के बीच इंडियन और खास करके इंग्लिश, वो खत्म होता है थोड़ी देर के लिए। अजीज एंड राल्फ ज्वाइंस देम बट सून देयर बोट सिंक्स एंड दे फॉल इनटू वाटर। क्योंकि जब बोट डूबता है सब लोग एक दूसरे को बचाने का कोशिश करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो किस कंट्री से है या वो किस क्लास से है, बट बल्कि सब लोग बचाते हैं एंड दे रियलाइज द यूनिटी ऑफ मैन। सो उनको रियलाइजेशन होता है दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ इंडिया ऑफ लव एंड हारमोनी। However, this unity is not everlasting. लेकिन वो जो यूनिटी है जो उस माउंट टैंक में हुआ बोटिंग के सिंक होने के कारण, ये forever के लिए नहीं था। अजीज एंड फील्डिंग goes on their last horse riding in the Mau jungles. उसके बाद अजीज और फील्डिंग दोनों enjoy करने के लिए वो अपना last horse riding करने जाते हैं Mau jungles में। फील्डिंग request अजीज to be friend with him again as in the past. सो फील्डिंग रिक्वेस्ट करता है अजीज को कि हम लोग क्यों नहीं पहले जैसे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन इस बार अजीज डिनाई करता है। ही सेज दैट दे कैन नॉट बिकम ट्रू फ्रेंड्स अनलेस इंडिया बिकम अ फ्री स्टेट एंड ऑल इंग्लिशमैन एज रूलर्स लीव इंडिया फॉर गुड। सो अजीज ये अपना पॉइंट रखता है कि नहीं, हम लोग अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, सच्चे दोस्त नहीं बन सकते जब तक कि इंडिया एक फ्री स्टेट नहीं बनता है।
और यहाँ से जितने भी इंग्लिश रूलर्स है वो इंडिया को छोड़ के नहीं जाते तब तक हम लोग ट्रू फ्रेंड्स नहीं बन सकते। सो डियर व्यूवर्स, दिस वॉज द वीडियो ऑन ई एम फोस्टर अ पैसेज टू इंडिया एंड होप इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ